क्या आपको पता है कि चूहे कुछ खास तरह की आवाजों से क्यों डरते हैं? वेल, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे कान कैसे काम करते हैं और अलग अलग ध्वनियों के प्रति अलग अलग जानवर कैसे रिएक्ट करते हैं। कान के इस विजिबल पार्ट को पिन्ना कहते हैं। कान का यह हिस्सा साउंड वेव्स को कान के भीतर घुसने में मदद करता है। साउंड वेव्स ईयर कैनाल से होते हुए ईयर ड्रम की ओर आगे बढ़ती हैं। ईयर कैनाल के आखिर में मौजूद ईयर ड्रम बेहद सेंसिटिव मेम्ब्रेन होते हैं। इस मेम्ब्रेन को कई बार टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ईयर ड्रम पर गिरने वाली साउंड वेव्स इसे वाइब्रेट करने के लिए फोर्स करती है, क्योंकि ईयर ड्रम के पीछे एक फ्लूइड भरा होता है, इसलिए ईयर ड्रम के वाइब्रेट होने के साथ ही फ्लूइड भी वाइब्रेट होता है। फ्लूइड के वाइब्रेट होने से कान की छोटी छोटी बोन्स भी वाइब्रेट करती हैं। क्या आपको पता है कि ये बोन्स कौन सी हैं? जी हाँ, वो हैं हैमर, एनविल और स्टिरप। कॉकलिया को कवर करने वाली मेम्ब्रेन स्टिरप से जुड़ी होती है। साउंड वाइब्रेशंस कॉकलिया से होते हुए फ्लूइड में ट्रांसफर होते हैं। कॉकलिया के भीतर वाइब्रेशन इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट होते हैं। कॉकलिया के भीतर मौजूद फ्लूइड के वाइब्रेट होने से माइक्रोस्कोपिक हेयर्स में भी मूवमेंट होता है, जिससे बनने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑडिटरी नर्व्स के जरिए ब्रेन तक पहुंचाए जाते हैं। ब्रेन में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस साउंड में ट्रांसलेट होते हैं, जिसे हम पहचान और समझ पाते हैं। ज्यादातर इंसानी ईयर ड्रम्स 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच वाइब्रेट कर सकते हैं, जिसे हम ह्यूमन हियरिंग रेंज भी कहते हैं। इस रेंज से बाहर की वाइब्रेशंस को ईयर ड्रम्स डिटेक्ट नहीं कर पाते। इसे देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि लोगों की हियरिंग एबिलिटी कम क्यों हो जाती है? करेक्ट, ईयर ड्रम डैमेज होने की वजह से या फिर इनके पुराने और ढीले होने की वजह से। एजिंग के साथ में लोगों को जनरली हायर फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़नी बंद हो जाती हैं। वहीं एक नॉर्मल एडल्ट मैक्सिमम 14,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ही सुन पाता है। एजिंग के साथ फीमेल्स की अपेक्षा मेल्स की हियरिंग एबिलिटी जल्दी खराब होती है, यानी एक ही एज की फीमेल्स हायर फ्रीक्वेंसीज ज्यादा अच्छे से सुन सकती हैं। ह्यूमन रेंज से कम रेंज की फ्रीक्वेंसीज को इंफ्रासाउंड, जबकि 20,000 हर्ट्ज से हायर फ्रीक्वेंसीज को अल्ट्रासाउंड कहते हैं। इंसानों की तुलना में जानवरों की हियरिंग फ्रीक्वेंसी अलग होती है। अब कुत्तों को ले लीजिए, ये 67 हर्ट्ज से लगा के 45,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज सुन सकते हैं, यानी हम इंसान कुत्तों की अपेक्षा लोअर फ्रीक्वेंसीज डिटेक्ट कर सकते हैं। वहीं डॉग्स हमारी तुलना में हायर फ्रीक्वेंसीज डिटेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ दूसरे जानवरों की हियरिंग रेंजेस हैं। बड़े कानों वाले हाथी हमसे कम फ्रीक्वेंसीज डिटेक्ट कर सकते हैं। हमारे और दूसरे जानवरों के बीच के हियरिंग रेंज के बीच के अंतर का इस्तेमाल पेस्टोटरेंट की तरह किया जा सकता है। इसकी मदद से चूहे, स्पाइडर्स और दूसरे कीड़े मकौड़ों को डिटेक्ट किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हमारी हियरिंग कैसे काम करती है। तो अब अगर कभी कोई चूहा शांत लगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत शांत है, बल्कि वो उस रेंज की फ्रीक्वेंसीज पर फोकस्ड होता है जिसे हम सुन नहीं पाते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी दूसरे वीडियो में हम आपको किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।